जरा उत्सव किरण की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। अयोध्या में जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपको दिखाते हैं। रामनगरी में नवरात्र की तैयारी जोरों पर है, माँ दुर्गा की मूर्तियों की साज सज्जा का काम तेजी से चल रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें 3 अक्टूबर से नवरात्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन अयोध्या की सबसे पुरानी रामलीला का शुभारंभ भी हो गया है, साथ ही दूसरी रामलीला की तैयारियां भी किस तरह से चल रही हैं, देखिए। माँ दुर्गा की आराधना का विशेष पर्व नवरात्र 3 अक्टूबर से प्रारंभ होकर दशहरा तक यानी अगले 10 दिनों तक इस त्योहार की रौनक देश भर में देखने को मिलेगी, जिसकी भव्य तैयारियां लगभग पूर्णता की ओर हैं। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भी शारदीय नवरात्र की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नवरात्र को लेकर माँ दुर्गा की प्रतिमाएं बनाने का काम तेजी से चल रहा है। कलाकार मूर्तियों के साथ सज्जा में जुटे हुए हैं। यहाँ माँ दुर्गा के साथ ही अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनाई जा रही हैं, जिनकी नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा के साथ ही पूजा की जाती है। वहीं रामलीला के आयोजन को लेकर भी विशेष तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या की सबसे पुरानी बताई जाने वाली रामलीला का तो शुभारंभ भी हो गया है। भगवदाचार्य स्मारक सदन में अयोध्या की पारंपरिक रामलीला का सोमवार देर शाम शुभारंभ हुआ। यहाँ भगवान श्री राम और माता सीता की आरती उतार कर साधु संतों की उपस्थिति में रामलीला की शुरुआत हुई। इस विशेष अवसर पर पूरा माहौल भक्ति से ओतप्रोत दिखा। अवधपुरी में जगह जगह रामलीला के आयोजन की तैयारी हो रही है। श्री राम ऑडिटोरियम में भी सोमवार को रामलीला के मंचन को लेकर पूरे विधि विधान से विशेष पूजा की गई। अयोध्या की रामलीला का छठा संस्करण स्टार्ट होने जा रहा है 3 तारीख से। आज अयोध्या की रामलीला का हमने भूमि पूजन किया है। इस बार रवि किशन जी केवट की भूमिका में नजर आएंगे, रजा मुराद हिरावन की भूमिका नजर आएंगे, मनोज तिवारी बाली की भूमिका में नजर आएंगे, राकेश बेदी राजा जनक की भूमिका में नजर आएंगे और आपका मालिनी अवस्थी जी माँ सबरी की भूमिका में नजर आएंगी। कई बॉलीवुड के कलाकार अयोध्या की रामलीला में काम कर रहे हैं। 42 से ज्यादा बॉलीवुड के कलाकार अयोध्या की रामलीला में काम कर रहे हैं और 200 से ज्यादा कलाकार दिल्ली बॉम्बे अयोध्या से हमारी अयोध्या की रामलीला में काम कर रहे हैं। सितारों से सजी इस रामलीला में कैप्टन राज माथुर भरत की भूमिका निभाने वाले हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा कि मेरे को इसमें भरत जी का रोल करने का मौका मिला है और मैं 2 या 3 बार मैं भरत जी का रोल कर चुका हूँ। पिछले साल मैं किसी वजह से नहीं आ पाया था और बहुत अच्छा लगता है अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का और ये संदेश देने का, आने वाली पीढ़ियों को संदेश देने का, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का, वो ही हम प्रयास कर रहे हैं। आयोजकों के अनुसार पिछले साल 36 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों ने अयोध्या की रामलीला का आनंद लिया था और इस बार 50 करोड़ लोगों तक अलग अलग माध्यमों से इस रामलीला को पहुंचाने का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, टेरर फ्री और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाना, वो भी जम्मू कश्मीर में, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। ADGP ने यहां पर एक बाइट दी है। उन्होंने कहा है कि हमने जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहां पर किए थे उसकी वानगी यहां पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो जम्मू कश्मीर की तस्वीर निकल कर आई है। आज तीसरे चरण के लिए वोट यहां पर डाले गए। तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान में हर उम्र के लोग यहां पर पहुंचे हैं। लोगों ने जोर शोर से शिरकत की है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। जम्मू कश्मीर में जब कोई अच्छी खबर आती है तो वो एक जश्न की तरह होती है। घाटी में कैसे जमहूरियत का जश्न बिखरा हुआ है, आपको दिखाते हैं कश्मीर में चुनावी उत्सव की एक झलक। जम्मू कश्मीर में जैसा कि आपने देखा कि वहां पर आखिरी चरण में चुनाव हो रहा है, तीसरे और आखिरी चरण में, और जबरदस्त उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। वोटिंग परसेंटेज भी बहुत अच्छा है और एक हिस्टोरिक बात आपको बता दें, ऐतिहासिक बात, कि पहली बार वाल्मीकि समाज के लोग जो है इस बार वहां पर वोट कर रहे हैं, क्योंकि 370 हटने से पहले की जो स्थिति थी उसमें था कि सिर्फ वो लोकसभा चुनाव में ही वोट कर पाते थे, उन्हें यह अधिकार नहीं था कि इस तरह से वो वोट करें विधानसभा चुनाव में। पहली बार जिस तरह से वहां पर वोट हो रहा है तो अपने आप में ये ऐतिहासिक बात है।
चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें अब शौर्य के उत्सव की। उत्तराखंड की जमीन इन दिनों हिंद के वीरों की जाबाजी की गवाही दे रही है। भारतीय सेना यहां कजाकिस्तान आर्मी के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज में जुटी हुई है। कजिन 2023 युद्धाभ्यास में दोनों सेनाओं को एक दूसरे की काबिलियत परखने का मौका मिल रहा है। 11 नवंबर तक चलने वाला ये युद्धाभ्यास दोनों सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल की मिसाल है। औली की पहाड़ियों पर पराक्रम का प्रदर्शन, जमीन से आसमान तक हिंद के वीरों की शौर्य की गवाही। दुश्मनों के खिलाफ अपनी तैयारियों को धार देने और कजाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग को और सशक्त बनाने के लिए भारत ने काजिंद एक्सरसाइज शुरू कर दी है। उत्तराखंड में औली के अत्याधुनिक सूर्या विदेशी प्रशिक्षण नोड पर 30 सितंबर से युद्धाभ्यास की शुरुआत हो चुकी है। 13 अक्टूबर तक चलने वाले इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारतीय दल की अगुवाई 5वीं बटालियन कुमायूं रेजिमेंट के 130 सैनिक कर रहे हैं, जिसमें भारतीय वायुसेना और सेना की दूसरी शाखाओं के सैनिक भी शामिल हैं। जबकि कजाकिस्तान की 60 सदस्यीय टुकड़ी की अगुवाई लैंड फोर्सेस, एयर डिफेंस और एयर बोर्ड असॉल्ट ट्रूप्स के सैनिक कर रहे हैं। काजिंद 2024 का मुख्य मकसद संयुक्त राष्ट्र के अध्याय 7 के तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। इस दौरान भारत और कजाकिस्तान के जवान जंगल वॉरफेयर और सेमी अर्बन इलाकों में आतंकवाद से निपटने की रणनीति और कला कौशल का भी अभ्यास करेंगे। हर तरह के हालात में अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर ये जवान ऐसे अभ्यास के जरिए अपनी तैयारियों की तस्दीक करेंगे। दोनों मुल्कों के सैनिक संयुक्त कमांड पोस्ट और खुफिया केंद्र की स्थापना करेंगे। फाइटर जेट्स की उड़ान के लिए हेलीपैड का रोल जंग में अहम होता है, लिहाजा दुश्मन के हमलों से इसकी सुरक्षा कैसे की जाए, ड्रोन और काउंटर ड्रोन तकनीकों का उपयोग कैसे किया जाए, सैकड़ों फीट की ऊंचाई से कॉम्बैक्ट फ्री फॉल और विशेष हेलीबॉर्न ऑपरेशन को किस तरह अंजाम दिया जाए कि दुश्मनों को संभलने का मौका न मिले, इसका भी अभ्यास किया जाएगा। सैन्य ऑपरेशन के लिए जवानों का हर तरीके से फिट रहना जरूरी है, लिहाजा सैन्य अभ्यास के साथ साथ जवान योग और एक्सरसाइज के जरिए खुद को चुस्त दुरुस्त रखने की प्रैक्टिस भी करेंगे। शारीरिक व्यायाम के साथ साथ मन को एकाग्र रखने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास भी किया जाएगा। यानी इस संयुक्त प्रशिक्षण से शारीरिक फिटनेस, सामरिक प्रशिक्षण और एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल बनाने में मदद मिलेगी। भारत और कजाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास का ये 8वां संस्करण है। दोनों मुल्कों के बीच युद्धाभ्यास का यह सिलसिला 2016 से चल रहा है। 2016 में प्रबल दोस्ती का अभ्यास के रूप में इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी। 2018 में दोनों देशों की सेनाओं के सालाना अभ्यास को करोड़ रिपोर्ट गुडनेस टुडे। सेल्फ डिफेंस की बात कर लेते हैं, उसी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर से तस्वीर सामने आई है। वर्कशॉप यहां पर लगाई गई जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग उनको दी गई है। जी हां, इसका आयोजन हैंड टू हैंड फाइटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया है। ये संस्था भारत में स्पोर्ट्स के जरिए युवाओं में खासकर की महिलाओं और लड़कियों को इस काबिल बनाना चाहती है ताकि अपनी सुरक्षा वो खुद कर सकें। दुश्मन चाहे कोई भी, इस गेम से, इस तकनीक से पल भर में ढेर हो सकता है। इसीलिए ओडिशा के भुवनेश्वर में सेल्फ डिफेंस और हैंड टू हैंड फाइटिंग स्पोर्ट्स वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस खास आयोजन में बच्चों के साथ बड़े भी शामिल हुए और सेल्फ डिफेंस के गुर सीखे। कॉन्फिडेंस भी आया है, अब डर भी नहीं लगेगा। अगर पहले जब चलती थी, घूमती थी तो डर लगता था कि कहीं कुछ होना जो तुम भाग जाओगे, लेकिन अभी थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ कुछ तो करके जाऊंगे। अभी सेल्फ डिफेंस आ गया है तो मैं अपना बचाव खुद से कर सकती हूँ। दरअसल हैंड टू हैंड फाइटिंग स्पोर्ट्स रशियन मार्शल आर्ट है जो 37 देशों की सेना में इस्तेमाल होता है ताकि दुश्मन को पल भर में ढेर किया जा सके। इसे रशियन में रुकोपोशनी बोई कहा जाता है। भारत में इस गेम को आए हुए महज 3 साल ही हुए हैं। इसमें 2 डिसिप्लिन है, एक है फाइट का जो कि ग्लव्स, हेड गार्ड, सेफ्टी इक्विपमेंट पहन के खेला जाता है, कनेक्ट फाइट,
और दूसरा है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में इसमें हम लोग देते हैं पंच के ऊपर, जो समझो कोई पंच करेगा तो क्या करेंगे, नेक होल्ड करेगा, बॉडी होल्ड करेगा, फ्रंट होल्ड, बैक होल्ड, या फिर कोई नाइफ से अटैक करेगा, गन से अटैक करेगा, स्टिक से अटैक करेगा, तो उससे बचना कैसे है। ये मार्शल आर्ट दूसरे मार्शल आर्ट से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसमें सेल्फ डिफेंस पर ज्यादा जोर है। दुश्मन अगर हथियार से लैस है तो भी हिम्मत नहीं हारना है और मौका मिलते ही दुश्मन को सबक सिखा देना है। फाइटिंग स्किल्स और सेल्फ डिफेंस स्किल, इसमें दो टेक्निक से वो सिखाता हूँ। जो सेल्फ डिफेंस टेक्निक है वो पूरा आर्मी मार्शल आर्ट के लिए है, आर्मी जो फॉलो करती है। तो इसमें जो सेल्फ डिफेंस के जितनी टेक्निक्स है, जैसा वेयर वेपन हो गया, विदाउट वेपन, गन के साथ, स्टिक के साथ या नाइफ के साथ, जो भी अटैक आते हैं आज के टाइम पे जो महिलाओं पे या औरतों पे जो अटैक किया जाते हैं किसी अन्य पुरुष के द्वारा, उस पर उनको किस तरह से अपनी आत्मरक्षा करनी चाहिए, इसके बारे में सिखाया जाता है। ये स्किल इतनी अच्छी और सिंपल होती है जो लड़कियां मार्शल आर्ट नहीं सीखती वो भी कर सकती है। ऐसी छोटी छोटी कोशिशें भी कभी कभी बड़ा काम कर जाती हैं। इस वर्कशॉप का मकसद भी नेक है, इसीलिए ऐसे वर्कशॉप का आयोजन पूरे देश के शहरों में भी होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कल से नवरात्र की शुरुआत हो रही है, आज पहली अक्टूबर, अक्टूबर का महीना भी आ गया है। लेकिन जब भी अक्टूबर का महीना शुरू होता है, फेस्टिवल सीजन शुरू होता है, साथ ही साथ बेचारे दिल्ली वालों को स्मॉग से दो चार होना पड़ता है। इस बार सुबह सुबह क्या आलम रहता है भाई, अपने अपने घर के खिड़की के बाहर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। पहले बारिशें, उसके बाद स्मॉग, बस फंसे रहो। आप एयर क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस फील कर सकते हैं। जब बारिश का वक्त था AQI बिल्कुल क्लियर था, और अब जब सांस लेते हैं AQI ने अलग रिकॉर्ड बनाया, बिल्कुल। लेकिन अब क्या रिकॉर्ड बनाएगा ये देखने वाली बात, ना ही बनाए वैसे, पहले तो हम यही करते हैं ना, बिल्कुल गंदे वाले रिकॉर्ड, 0-1-2 इधर चले जाओ। लेकिन दिल्ली सरकार वैसे हर बार की तरह इस बार भी कई सारे दावे कर रही है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन कुल मिला के देखिए दिल्ली वाले जो है ना, उन्हें दिल्ली की सर्दी बहुत पसंद है। दिल्ली की सर्दी पे भाई गाने तक बन चुके हैं कि दिल्ली की सर्दी इतनी अच्छी होती है, इतनी हसीन और गुलाबी गुलाबी ठंड किसे पसंद नहीं है। अश्वेता इस लेकिन नवजोत गुलाबी पहन के आई है, मुझे पता नहीं, मैंने चार्ट फॉलो किया, जो चार्ट मिला ना मेरा, ये मैंने फॉलो किया चार्ट, अच्छी बात है। ये सर्दी गुलाबी क्यों होती है, ये सर्दी आसमानी क्यों नहीं होती, ऑरेंज क्यों नहीं होती, गुलाबी क्यों होती है, तो फील की बात है, आप उसको गुलाबी समझो, हम जैसे फील लगा लाइट है। ये सर्दी की आप ग्लो फील करते हैं सर्दियों का शायद, सर्दी की बड़ी सारी बातें हैं। लेकिन जब मैं वापस दिल्ली वालों पे आऊंगी, क्योंकि बेचारे दिल्ली वाले हमेशा परेशान होते हैं, वो उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि प्रदूषण। एक्चुअली दिल्ली बिल्कुल सेंटर में है और चारों तरफ से, और पोल्यूशन पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है, और इसीलिए इस बार दिल्ली सरकार की तरफ से, आपको याद होगा कि पर्यावरण मंत्री ने 25 सितंबर को एक मीटिंग ली थी जिसमें उन्होंने बाकायदा 21-पॉइंट एजेंडा को लेकर बात भी की थी, और ये भी कहा था कि इस बार प्रदूषण पर ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जाएगी। तो क्या कुछ प्लान है, और क्या वाकई इस बार हम और खास तौर पर दिल्ली वाले स्वच्छ हवा में सांस ले पाएंगे, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, और खास करके जैसे कि दिल्ली सरकार ने भी कहा है वॉर रूम बनाया जा रहा है भाई, इस वॉर रूम में कितनी हमें राहत मिलेगी, इससे विंटर एक्शन प्लान पर नजर रखी जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से, ताकि राजधानी में रहने वाले लोगों को सेहतमंद सांसें मिल सके। देखिए क्या तैयारी है। ये तैयारी राजधानी की हवा में खुलते जहर पर लगाम लगाने की है। सर्दियों के दस्तक देने से पहले ही दिल्ली की आबोहवा पर नजर रखने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ग्रीन वॉर रूम का शुभारंभ किया। दिल्ली में हर साल ठंड के मौसम में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर हो जाती है। पड़ोसी राज्यों से आने वाला पराली का धुआं इस परेशानी को और बढ़ा देता है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है। ग्रीन वॉर रूम भी विंटर एक्शन प्लान का ही एक हिस्सा है। विंटर एक्शन प्लान के तहत 21 फोकस पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाएगा। प्रदूषण पर नजर रखने के लिए 948 टीमें बनाई गई हैं। जरूरत के मुताबिक ये रिपोर्ट सौंप कर कार्रवाई की सिफारिश करेंगी। ग्रीन वॉर रूम से विंटर एक्शन प्लान पर नजर रखी जाएगी। ग्रीन वॉर रूम में मॉनिटरिंग के लिए 8 सदस्यों वाली टीम तैनात रहेगी। इस वॉर रूम को संचालित करने के लिए 8 सदस्य पर्यावरण विशेषज्ञों की टीम जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। इस पूरी टीम का जो मुख्य तौर पर 7 कार्य निर्धारित किए गए हैं, 7 टास्क इनको दिए गए हैं।
जिसमें नया जो काम वार रूम में जुड़ रहा है वो है ड्रोन मॉनिटरिंग का जो डेटा होगा उसको एनालाइज करना, साथ ही साथ जो रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी है उसका फीड भी यहाँ पर आएगा। जो दिल्ली के अंदर हॉट स्पॉट्स हैं उनका जो सिचुएशन एनालाइज करना है, क्यूआई को एनालाइज करना, जो पराली की घटनाएं होती हैं सैटेलाइट डाटा से उसको एनालाइज करना। प्रदूषण की निगरानी के लिए सरकार ने जनता से ग्रीन दिल्ली ऐप पर शिकायत करने की अपील भी की है। ग्रीन वॉर रूम में तैनात टीम इस ऐप पर मिली शिकायतों के निपटारे के लिए जरूरी कदम उठाएगी। वॉर रूम से ही पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही पराली से जुड़े सैटेलाइट डेटा पर भी नजर रखी जाएगी। ग्रीन वॉर रूम से ड्रोन मैपिंग के जरिए प्रदूषण की मॉनिटरिंग की जाएगी। रियल टाइम सोर्स से मिलने वाले डेटा को स्टडी किया जाएगा। पराली या कचरा जलाने से जुड़े सैटेलाइट डेटा को एनालाइज किया जाएगा। ग्रीन ऐप पर आई शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। इसके साथ ही 13 हॉटस्पॉट स्टेशन का डेटा, 24 मॉनिटरिंग स्टेशन का डेटा और एयर क्वालिटी इंडेक्स पर नजर रखी जाएगी। दिल्ली के 2 करोड़ लोग प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई में सीधे दिल्ली ग्रीन ऐप से हमारे साथ जुड़ते हैं। अब मेरी अपील भी है आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के सभी लोगों से कि अगर आप इस प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं तो आपके पास एक हथियार है दिल्ली ग्रीन ऐप। आप अपना एंड्रॉयड फोन हो आईफोन हो गूगल प्ले स्टोर में जा करके ग्रीन दिल्ली ऐप डाउनलोड कर लीजिए और पूरे दिल्ली में कहीं भी अगर आपको दिखता है कि प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधि हो रही है फोटो खींच करके आप जरूर हमें भेजें जिससे हम प्रदूषण के स्तर को कम करने में मिल करके इस प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ग्रीन वॉर रूम दिल्ली के 33 विभागों के साथ मिलकर काम करेगा। ग्रीन वॉर रूम में मॉनिटरिंग के जरिए मिले डेटा के आधार पर सरकार को प्रदूषण पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। प्रदूषण के हालात गंभीर हुए तो सरकार इस डेटा के आधार पर सख्त फैसले भी ले सकेगी। ग्रीन वॉर रूम के जरिए कोशिश यही है कि इस बार सर्दियों में दिल्ली की हवा में घुले प्रदूषण के जहर को कम किया जाए। पंकज जैन, गुड न्यूज टुडे। तो भाई कोर्ट से ना गुड न्यूज आई है। अच्छा, एक और गुड न्यूज। तो मैं आपको बताती हूँ क्या है वो गुड न्यूज। सुप्रीम कोर्ट से गरीब परिवार के छात्र को बड़ी राहत मिली है। दरअसल मुजफ्फरनगर के रहने वाले अतुल पैसों की तंगी के चलते आईआईटी की एडमिशन फीस नहीं भर पाए थे, इसके बाद उनका एडमिशन रद्द कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब आईआईटी धनबाद को अतुल का एडमिशन कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले पर अतुल का पूरा परिवार बेहद खुश है। तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं। यहाँ एक गरीब परिवार में जश्न का माहौल है। चेहरों पर मुस्कान और आंखों में खुशी के आंसू हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर के रहने वाले छात्र अतुल के हक में फैसला सुनाया है। दरअसल गरीबी और पैसों की तंगी के चलते अतुल आईआईटी एडमिशन की फीस नहीं भर पाए थे। अतुल का एडमिशन आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स में हुआ था और उन्हें 24 जून शाम 5 बजे तक एडमिशन सुरक्षित करने के लिए ऑनलाइन फीस जमा करनी थी, लेकिन अतुल के मजदूर पिता समय सीमा से पहले फीस जमा नहीं कर पाए जिससे उनका एडमिशन रद्द कर दिया गया था। थक हार कर अतुल और उनके पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आईआईटी धनबाद को अतुल का एडमिशन करने का निर्देश दिया है। अतुल के हक में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि अतुल को आईआईटी धनबाद में कोर्स की उसी सीट पर दाखिला दिया जाए जिस पर उसका शुरू में एडमिशन हुआ था। कोर्ट ने कहा कि छात्र के लिए एक नई सीट बनाई जाए जिससे दूसरे छात्रों को परेशानी न हो। फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने अतुल को बधाई दी और कहा कि हम ऐसे युवा प्रतिभाशाली लड़के को जाने नहीं दे सकते। जो पटरी से उतर गई थी वापस पटरी पर आ गई। चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छा किया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण तरक्की में बाधा नहीं आ। अब अतुल की ऊंची उड़ान का वक्त आ गया है और अब जल्द ही अतुल आईआईटी धनबाद में अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। मुजफ्फरनगर से संदीप जैन, गुड न्यूज टुडे।
तो भाई जो मुंबई रह चुके हैं, रह क्या हैं, वो शायद इस खबर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप लोगों ने लोकल में ट्रेवल किया है? अरे पूछो, चाहते नहीं क्या किया पूछो है? और आप वहां तक जाओ। जिसने मुंबई लोकल में ट्रेवल कर लिया ना, वो किसी भी सर्कमस्टेंस में एडजस्ट कर सकता है। कहीं भी आप लाइफ में एडजस्ट कर सकते। हमने तो ज्यादातर टीवी में वही तस्वीरें देखी है कि कोई गिर रहा है उसको जाके आरटीएफ वाले बचा रहे हैं। लेकिन अब बड़ी अच्छी पहल की है मुंबई रेलवे ने, और वो पहल क्या है? वो ये है कि रेलवे प्लेटफॉर्म के छोर पर सुरक्षा बॉक्सेस बना दिए गए हैं। वो इसलिए दरअसल बनाए हैं कि आप कूदते हैं ना, जब तो आप कूद नहीं पाएंगे, उस तरफ नहीं जा पाएंगे, तो आपकी सेफ्टी के लिए किया गया है, जिसका मकसद है अतिक्रमण, पटरियों को क्रॉस करते वक्त होने वाले हादसों पर अंकुश लगाना। कुर्ला, ठाणे, वडाला जैसे कई स्टेशन है, ऐसे सुरक्षा घेरे वहीं पर बनाए गए हैं। मौजूद हूं मुंबई के परेल रेलवे स्टेशन पर, और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सेंट्रल रेलवे ने जागरूकता अभियान फैलाते हुए और दुर्घटना को रोकने के लिए, यात्रियों की सुविधा के लिए उनका ख्याल रखते हुए इस तरीके से रेड बॉक्सेस बनाए हैं। इन बॉक्सों का बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो है यात्रियों की जान की सुरक्षा करना। अक्सर ही समय बचाने के लिए, समय पर पहुंचने के लिए सीढ़ी न चढ़ना पड़े इसके लिए, और कहीं ना कहीं जल्दबाजी में उनकी जो ट्रेन है उसे कैच करने के लिए यात्रीगण जो है वो प्लेटफॉर्म से सीधे नीचे उतरते हैं और पटरियों को क्रॉस करके इस तरह प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये रेड बॉक्स अब बनाया गया है, यात्री क्रॉस नहीं कर पाएंगे पटरियाँ, सीधे उस रेड बॉक्स में ही जा गिरेंगे। हर जगह पर, हर स्टेशन पर उनकी ऊंचाइयों के अनुसार ही इस तरह के रेड बॉक्स बनाए गए हैं। फिलहाल ये जो रेड बॉक्स है इसकी हाइट तकरीबन 3 फीट होगी, लेकिन ऐसे कई रेलवे स्टेशन हैं जहां पर 6 फीट के भी बॉक्सेस बनाए गए हैं। खास बात यह है कि जो भी इस बॉक्स पे यात्री गिरता है उसे किसी भी तरीके की चालान नहीं काटनी होती है। उन्हें सावधानी की बातें बताई जाती है, जागरूकता की बातें बताई जाती है और फिर छोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं इस तरह की पहल से जो दुर्घटना है उनके आंकड़ों में कमी देखी गई है। वैसे कुछ दिनों पहले दिल्ली में इंटरनेशनल बुक फेयर हुआ था, आप लोगों को पता होगा शायद, यहाँ पे बहुत लोग गए थे, हमने स्टोरी भी आपको दिखाई थी। लेकिन अब लखनऊ की बात कर लेते हैं। लखनऊ में इन दिनों 21वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला चल रहा है, जो कि 27 सितंबर से शुरू हुआ है, और इस मेले में हर रोज बड़ी संख्या में लोग कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, धर्म और अध्यात्म से जुड़ी किताबों को पढ़ने और खरीदने पहुंच रहे हैं। मेले में 130 स्टॉल और 75 से ज्यादा प्रकाशक अपनी अपनी किताबों के साथ मौजूद हैं। और इसमें खास करके बताया जा रहा है कि इस बार का पुस्तक मेला विशेष तौर पे देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाले क्रांतिकारियों पे केंद्रित रहेगा। इसलिए 6 अक्टूबर तक चलने वाले इस पुस्तक मेले को काकोरी घटनाक्रम के शताब्दी वर्ष के तौर पर आयोजित किया गया है। लखनऊ में इन दिनों 21वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला चल रहा है। पुस्तक मेले में वैसे तो तरह तरह की किताबें हैं और सबके लिए हैं, लेकिन ये जो कोना है पुस्तकों का, ये खास इसलिए है कि इसमें धार्मिक किताबें हैं, पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई किताबें हैं। गीता प्रेस का ये स्टॉल और संस्कृत संस्थान का ये स्टॉल दिख रहा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के लोग हैं, यानी युवा भी हैं और वो इन किताबों को देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर किताबें दिख रही हैं, वो धार्मिक किताबें तो हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जो पौराणिक जो चरित्र हैं उनके बारे में अलग अलग तरह से बहुत ही रोचक जानकारी देती हुई किताबें भी हैं। इसमें बच्चों के आचरण और राजा राम, इस तरह की बच्चों के लिए, बालकों को सीखें, इस तरह की किताबें उपस्थित हैं, जिससे बच्चे पढ़ करके हमारे संस्कार, हमारे वेद पुराण, इन सब के बारे में, हमारी पौराणिक कथाओं के बारे में जाने। इन माइथोलॉजी की कहानियों से हमें बहुत सारी सीख प्राप्त होती हैं, बहुत सारी नई नई चीजें सीख सकते हैं, और हम लोग अपने मतलब भगवानों से कितनी सारी लर्निंग्स ले सकते हैं। बहुत मजा भी आता है, उनके खेल कूद देखने में भी हमें बहुत मजा आता है, हम लोग उनसे रिलेट कर पाते हैं कि हम लोग भी वो सब शैतानियां वगैरह करते हैं। देखिए, हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अच्छी जिंदगी मांगने से नहीं मिलती है, इसलिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और पैर की चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। वाह, देखिए, ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वो धन हो या फिर खुशी हो। तो भाई, असंभव को भी संभव सिर्फ आपकी सोच बनाती है। क्या बात है, ऐसी अच्छे विचारों और अच्छी खबरों के साथ हम आएंगे कल फिर चाय पीने और गुड न्यूज सुनाने। देखते रहिए गुड न्यूज।